Ne bayram. Aminne. Pancakına konuluruz. मणि महेश झील के थोड़ा ऊपर में हूँ। ये व्यू है कैलाश पर्वत, ये मणि महेश पर्वत, और नीचे आप देख पा रहे हैं मणि महेश झील, सुप्रसिद्ध झील। यहाँ हर साल होता है ये जो पर्व होता है, यात्रा चलती है मणि महेश झील की, ये लगभग अगस्त महीने में चलती है, अगस्त और सितंबर महीने में, अगस्त में शुरू होती है और सितंबर में ये खत्म हो जाती है। तो अभी जो मेरी जानकारी के मुताबिक कि जैसे आज 24 अगस्त है, तो 24 अगस्त को 2019 में ये यात्रा शुरू हुई है और ये चलेगी 6 सितंबर 2019 तक, अगर मैं सही हूँ। और अमूमन मैंने पीछे भी वीडियो डाला था इस पे, मणि महेश पे, तो मेरे से अमूमन क्वेरी की जाती रही कि ये यात्रा होती कब है। तो मैं ये बताऊं आपको कि जो कैलेंडर मंथ है, अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके हिसाब से ये नहीं होती, और ये होती है देसी महीने के हिसाब से। तो हर साल आपको इसकी नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी। यात्रा तो पहले भी शुरू हो जाती है, चलती रहती है, लेकिन ऑफिशियली ये कुछ एक दिनों के लिए होती है। जैसे आप अभी 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक कितने दिन है, 7, 6, 13 अराउंड 2 वीक्स ये यात्रा चलती है, जैसे इस साल चली है। तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम उस हिसाब से बना सकते हैं। आ तो आप आगे पीछे भी सकते हो, लेकिन इसमें फिर सरकार की तरफ से आपको कुछ जो सहूलियतें मिलती हैं, जैसे सिक्योरिटी की है, बीमार हो गए, मेडिकल फैसिलिटी है, ये फैसिलिटीज फिर आपको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इस बीच में पूरा जो व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से होती है, और यहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो फिर ग्रुप के इकट्ठे चलिए आप। और मेरा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा है 2 सालों का, कि अगर आप इकट्ठे नहीं चलते हैं तो आप बिछड़ जाएंगे और कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। हमारे साथ भी यही हुआ, शाम को कुछ साथी आगे आ गए, कुछ पीछे रह गए, कंफर्मेशन हो नहीं रही थी कि पीछे वाले कहीं आगे तो नहीं निकल गए, और आगे वाले जो थे वो आगे ही चले गए। तो उस हिसाब से फिर आपको एक बेचैनी होगी, फिर बेड्स वगैरह नहीं मिलते, रूम जैसे आप टेंट्स वगैरह चाहें तो वो टाइमली आपको नहीं मिलते। बाकी मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अपना हरसर है, हरसर जहाँ से नीचे से पैदल चलते हैं, उसका जो एटीट्यूड है वो अराउंड 7000 फीट, 7000 या 8000, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसको अगर आप लगाएं तो ये सीधी एक स्टीप हाइक होती है, लगभग 7000 फुट के आसपास। तो एक दिन में जैसे हम आते हैं, तो ये अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हमारे जो कदम हैं वो कम उठते हैं, सांस फूलती है, हेडेक होती है, बहुत सारे लोग मैंने देखे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं पहले भी प्रिकॉशंस बता चुका हूँ, थोड़ा पानी पीते रहें और अपने शूज वगैरह जो है ना वो ऐसे लें थोड़े ग्रिप फोन में, और मैंने तो चप्पलों में भी लोगों को आते देखा, कुछ तो नंगे पांव भी आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मौसम अगर चेंज हो जाता है उस वक्त थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।